करेंगे, अगर मेहनत नहीं करे तो हम क्या करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे ले जाने के बाद वो बच्चा ने बोला मेरी मजदूरी सिर्फ 1 सवा रुपया, 1 दिरहम, 1 गुलू, यानी 1 सवा रुपया समझदारी पूरा तय कर सके। करने के बाद रहने के बाद वो बच्चा ले गए, ले जाने के बाद बैठा वो खुद अकेला काला मिट्टी डालते चले गया और सीमेंट डालते चलेगा, अपने आप को ईंट और पत्थर जुड़ते चले जाते रहे। सुबह हो गई, शाम तक इतना हुआ डबल आदमी 4 आदमी का काम कर चुका। देखे कि ये छोकरा इतना इतना बड़ा काम क्यों करा, कैसा करा, ये हो ना सको, ये कोई अल्लाह का बंदा होगा, कोई ना सको, ये पहुंची हस्ती हुई। दूसरे दिन बुलाया गया, फिर इसके काम को तहकीक करने के लिए छूटे हुए देखा, देखे ये क्या करा मालूम, देखते ही खुद में खुद ये डाटी है लगती है, बस आंखों से ऐसे निकाला बैठे। फिर उसके बाद देखो अपनी मजदूरी से ज्यादा मजदूर देना चाहे, नहीं मैंने जितना वायदा कर लिया वो मेरे लिए काफी है, मैं वो मेरे लिए काफी है, दूसरा मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर बोला ठीक है ले ले तेरी मजदूरी ले ले। आखिर में चलेगा खाना, अब 1 हफ्ते तक मुझे इंतजार करा, इंतजार करने के बाद तलाश करे फिर उस बच्चे के लिए, बच्चा कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। दूसरे वालों से तहकीक करा कहाँ है किधर है बच्चा, वो बच्चा कहाँ है किधर है, किसी बच्चे से पूछा कि फलाने जंगल के अंदर अकेला पड़ा हुआ है, चलो बच्चे तुझे मैं उजरत देता हूँ, उस बच्चे के पास ले चल। बच्चे के पास ले चलता है, देखता है सर के नीचे पूरी पूरी गहरी रखी हुई है, एक वर्ष पड़ा हुआ है, तना अकेला पड़ा हुआ, न कोई बच्चा है, न कोई आदमी है, न कोई जंगल है, तना पड़ा हुआ है, बस अल्लाह अल्लाह बेटा। आखिरी सांस लड़ती है, झट से उठाया, उठाकर अपने रान के ऊपर सर को दिया, आंखों में आंस निकाला, बेटे तेरा हशर ये है, आगे बेटे चल मैं तुझे ले जाता हूँ। आखिर में ये जवाब मिला, देखो अब मेरा वक्त खत्म हो चुका, मैं अल्लाह के यहाँ जाने वाला हूँ, चंद अमाते हैं, ये अमानत है मेरे, मैं किसी शख्स के पास देना नहीं है, जाना नहीं है, जाने के लिए मेरी ताकत नहीं है, ना कुवत है, कुछ नहीं है, तेरी जिम्मेदारी करता हूँ, अगर तू वहाँ तक पहुँचाए तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे बेटे तू जो चाहे मैं करने तैयार हूँ, बता दे तेरा, देखो ये मसला, ये लोटा फलाने फलाने को दे देना, ये अंगूठी शाही महल पे ले जाना, बादशाह के हवाले कर देना, आओ ठीक है। इसी तरह ले तू देर के बाद तू अपने से जुदा हो चुके, अल्लाह से प्यार हो गए, बोले के देखो मेरा ये कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर मुझे दफन देना, इस कपड़े के अंदर हिलाना और डुलाना, कपड़ा कम था, इतना लंबा नहीं था, हाँ पैर ढाके तो सर नहीं ढकता, सर ढाके तो पैर नहीं ढकता। आखिरकार बोले के बेटे मैं मालदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुझे चाहे तो मैं नया कपड़ा निकालता हूँ और मैं मेरे कपड़े में तुझे कफन देगा और निकलाऊंगा झुलाऊंगा, मैं तुझे दफनाऊंगा। बोले के बेटो मैं अभी मुर्दा बन चुका हूँ, ये कपड़ा अगर देना है तो जिंदे के लिए दे दो, मुर्दे के लिए कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वो अपने नसीब के मुताबिक उन्होंने पूरा अपना काम किया, बादशाह के पास कह गया, बादशाह जी सवारी निकल रही थी, आखिर में बादशाह जी को पुकारा, ए बादशाह जी अमानत मेरे पास है, ये अमानत में खयानत होने नहीं दूंगा, मैं ले आया हूँ। बादशाह के हुजूरा ने कहा कि देखो बादशाह ने शहर की तकरीर कर रहे, तुम चलो हुजूरी में बैठो, जब बादशाह आ जाए तो इत्मीनान के साथ बच्चे की कहानी पूरी बता दो, उसके बाद अमानत दे दो। बच्चे की कहानी के लिए सुना, आने के बाद पूछेंगे बेटा आमिर तुमने क्या काम कर लिया मेरे बच्चे से, मैंने बोला कि 20 दिन का काम किया, गारे मिट्टी का काम कर लिया, गारे मिट्टी का काम करा, ऐसा ऐसा होता था, करामती जाहिर होती थी, हर चीज के पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी, बच्चा अपनी इबादत में मस्त रहता था, खुदा की याद करना भूलता नहीं था, मैं 8 दिन खाता था, 8 दिन में 1 दिन मजदूरी लेता, 3 मजदूरी को आता, इस तरह हाथ किया छुआ, बादशाह ने अपने आंखों से आंसू निकाला, मेरा मासूम बेटा, मैं शहंशाह हो गया, मैं बादशाह हो गया, इस शहंशाह ही मेरे बेटे के लिए काम नहीं आई, ये शहंशाह मेरे बेटे के लिए नहीं आई, आज मैं क्यों मेरे
ये मेरी क्या दुनिया है, देखो अल्लाह वाले ने कैसे करके थे, आज हम क्या है, आज दिन उठते सुबह उठते शाम उठते क्या करते, मेरी दुनिया मेरा पैसा मेरा पैसा। दो भाई है, एक भाई कमाता तो भाई से दुश्मनी करता, बाप है बेटे से दुश्मनी करता, बेटा है बाप से दुश्मनी करता, दुनिया दुनिया को इतना लजीज किया कि अपनी जान से भी बेहतर समझा, समझा नहीं समझा अल्लाह वाले ने क्या क्या करते थे। बात तो लंबी करना नहीं है, बात तो झगड़ा नहीं है, ये काम जो करना है हम अल्लाह के दोस्त बनना है, दुश्मन बनना नहीं है, अल्लाह हमारा है, अगर अल्लाह चाहे तो हमारी नसीब को खोल सकते, अल्लाह चाहे तो यूं में दे सकते, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकते, हम अल्लाह के बंदे बनना है। एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को समझो, अल्लाह हमारे है किसी और के नहीं है। आज हम खुदा को छोड़े, आज हम रब को छोड़े, आज हम गैर को मानते हैं, गैर से होने का यकीन रखते हैं, गैर से होने का दिल के अंदर जमाए बढ़ेंगे, आज वो हमारे लिए क्या काम आते हैं, वो आज हमारे लिए क्या काम आती है। आज हम लड़ रहे, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई, मैं फलन मैं फला, अल्लाह के साथ कोई मजहब मतलब नहीं रखा जाता, अल्लाह के यहाँ कोई मजहब कोई मतलब देखा नहीं जाता, कोई हिंदू नहीं जाता, कोई मुस्लिम नहीं जाता, कोई कुछ नहीं जाता, अल्लाह के पास बस उसको रबियत होना, अल्लाह की बंदगी होना, मेरा बंदा मेरा काम पूरा भला नहीं करा, मेरा बंदा मुझसे नसीब है या नहीं है ये देखता, आज हमको चाहिए रब चाहिए जिंदगी बना लो, रब चाहिए जिंदगी पर अमल करो, रब को मान लो, रब को यकीन करो, ये खुदा ने हमारी जिंदगी बना दिया, आज वो खुदा की परिस्थिति हम करेंगे, हम सब मिलजुल के रहेंगे, आज हमारे अंदर दुश्मनी है नहीं है, हम पूरे भाई भाई है, हिंदू भी भाई मुसलमान भी भाई ईसाई भाई सिख भी भाई क्रिश्चियन भी भाई और दलित भी भाई सब भाई है, आदम की औलाद है, आदम की औलाद है, आज आदम की औलाद होने के वजह से हमारे अंदर मोहब्बत हमारे अंदर खुलूस हमारे अंदर इख्तियार रखे, आज ये नहीं के देखो भाई ये दीन नहीं, आज हमारा बर्थडे मनाते हैं, ये बर्थडे असल नहीं है, अल्लाह ताला ने एक पूछता के तू दिसंबर के 25 को बर्थडे क्यों बनाया, ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं बनाया, ये नहीं पूछेगा अवाम को क्यों नहीं खिलाया, वो नहीं पूछेगा, मकसद ये है हम खुदा को मानने वाले बनजे, हम खुदा पर यकीन रखने वाले बनजे, हम खुदा के साथ उम्मीद रखे, खुदा हमारा देने वाला है, हम लेने वाले हैं, हम पूरा यकीन हम खुदा पर रखे तो हमारा काम पूरा हो जाता, हम पूरे जिंदगी करने वाले हैं, हम पूरा भरोसा अल्लाह पे करने वाले हैं, हम ईमान वाले सब ईमान वाले हैं, कौन ईमान वाले भी, क्या हिंदू ईमान वाला नहीं है, क्या सिख ईमान वाला नहीं है, क्या यहूदी ईमान वाला, अल्लाह को मानने वाला है नहीं है, अल्लाह को मानो, अल्लाह की एक ही परिस्थिति करो, अल्लाह की वादियत की यकीन रख लो, अल्लाह से होने का यकीन, क्या नहीं कर सकते अल्लाह, सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह, सब कुछ कर सकते हैं, कोई ईश्वर को मानता है, कोई प्रभु को मानता है, कोई किसी को मानता है, मानता है तो अल्लाह एक को मानता है, नहीं मानता हो गया, अल्लाह एक को मानता है ना, हम उसके तरफ क्यों नहीं बढ़े, हम उससे क्यों नहीं मांगे, मांगना है मांग के लो, मांगो देने के लिए तैयार है, ले बहुत कुछ ले अल्लाह देने के लिए तैयार है, तू ऐसे देते है किस तरह देते है, हम एक एक चीज हमारे सामने रख के मांग देंगे, क्या मांगते है, ये पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता, बन सकता सीधे सा बन सकता, पत्थर कोई भगवान नहीं बन सकता, और कोई भगवान पत्थर को दे नहीं सकता, हमारा यकीन उसको भगवान बनाता, हमारा यकीन उसके जरिए हासिल कर सकते, हमारा यकीन उससे मांगने के लिए कर सकते, मगर कभी भी वो आता नहीं कर सकते, है तो किससे यकीन, अल्लाह से होने का यकीन, पहली बात अल्लाह से होने का यकीन है, उसका यकीन है, उसके यकीन को जमाने के लिए हर कौम में बड़े बड़े आदमी लोग आए, हिंदू में बड़े लोग आए, मुसलमान में बड़े लोग आए, अम्बिया भेजे औलिया भेजे शुदा भेजे, हिंदू में महान लोग भेजे, राम आए थे राम आए शिव जी आए सब कुछ आ गए, मगर आज क्यों है, आज हमारे अंदर भिखारी क्यों नहीं, आज हमारे घर में बेदीन क्यों है, आज हमारी बच्ची न बाप के कहना मानता है न
ना माँ की कहना मानती है ना किसी की कहना काम करती है। आज क्यों हमारे अंदर दीनदारी नहीं है, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर प्यार नहीं है। अगर मोहब्बत प्यार होता तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हम सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते ये बात बताता हूँ मैं खुदा। आज मैं ये चीज बताता हूँ कबूल कर सकते, मैं बोलता हूँ देखो ये तुम्हारा खुदा है इसको मानो, मानते मानते। ये पत्थर है, ये पत्थर हमारे सामने है, ये पत्थर दिख रहा आपको, ये पत्थर दिख रहा हमारे पास। देखिए इसको अगर तुम खुदा बनाना चाहे तो खुदा बन सकते, अगर नहीं बनाना चाहे तो लोगों को पैरों में भी आ सकता। ये देखिए ये पत्थर कितना बड़ा, इसके अंदर से एक ही चीज बताता हूँ क्या जानते मानते और ये समझते कि मैं खुदा हूँ और ये खुदा नहीं सकता, ये धोखा है, ये धोखा है। इस धोखे के अंदर हम कब तक रहेंगे, इस धोखे की जिंदगी में कब तक रहेंगे? बचाने वाला खुदा है, खुदा की तरफ क्यों नहीं आएंगे, खुदा की तरफ क्यों नहीं आएंगे? ये ना मेरे पास कुछ और चीज है, ना कोई चीज है, ये चीज है, ये ताकत देने की ताकत कौन दिया? मेरे रब ने दिया ये ताकत, मेरे रब ने दिया। मैं चंद दिन का मेहमान, मैं चंद दिन का मुख्तार, मेरी दुनिया थोड़ी है, ये मेरे लोग थोड़े है, मेरा है तो मेरा रब मेरा है, मेरा रब मेरा है। आज हमारे घर में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यार को फैलाओ, मोहब्बत को फैलाओ, एकताई को फैलाओ, हम सब वहाँ पर प्यार मोहब्बत से जोड़ो, दुश्मनी को खत्म करो, दोस्ती को बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाओ। आज हम मोहब्बत से रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा दो, प्यार मोहब्बत हमारी जिंदगी। अल्लाह ताला सबसे प्यार करने वाले का करीब होता है, सबसे प्यार करने वाला करीब होता है। या इसी आशय में कहता हूँ, आज मैं बैठा हूँ मेरा बर्थडे मनाने के लिए नहीं बैठा हूँ लोगों को, आज हमारे घर में भगवान को मानते आज भगवान की परिस्थित करो। आज हमारे घर में आज है तो पिक्चर है, आज घर है टीवी है, आज घर है तो सेल है, आज सेल हर बच्चे के घर में हाथ में आ गया। आज बच्चे माँ को नहीं मानती, आज बच्चे माँ बाप को नहीं मानता, आज बच्चे आज किसे आज किधर जाती है हमारे खिलाफ शादी करती है, आज हमारा बच्चा हमारे खिलाफ जाता है। ए मेरे लाल, ए मेरे लाड़ीले, मैं तुझे मेहनत से जली, मैं तुझे मेहनत से जाना, आज तू मेरा वारिस बनना है। किधर गया वारिस, किधर गया, कहाँ है वो वारिस, किधर है वारिस? बाप को लात मारा, माँ को लात मारा, सब जाया, वो अपनी साइंस में जिंदगी गुजारा। बाप संसार का पड़ा हुआ है, बाप को पूछने वाला नहीं है, माँ को पूछने वाला नहीं है, आखिर क्या होता है? आश्रम के हवाले होता है। क्यों? हमारे अंदर जिंदगी आना, हमारे अंदर मोहब्बत आना, हमारे अंदर खुलूस आना, बड़ों की मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफ़क़त, छोटों पर प्यार, आज हमारे घर से निकल गए। आज हमारे घर बर्बाद है, ये घर हमारे लिए बर्बाद है। क्यों ये घर बर्बाद? इसलिए दीनदारी, दीनदारी किसे कहते हैं, दीनदारी किसे कहते हैं? खुदा को मानने, खुदा को मानने के लिए। आज गोशा पर्दा हिंदू में भी है, मुसलमानों में है, हिंदू अलग नहीं है, मुसलमान अलग नहीं है, हम एक बाप की औलाद है, हम एक बाप की औलाद है, हमारा बाप आदम है, हमारी माँ हव्वा है, आज हम बाप की औलाद है, आज हमारा घर जलता है, आज हमारी बेटी जाती है और मेरी बेटी आज जाती है कुछ दूर का रास्ता, हम देख सकते हैं क्या? नहीं, वह हिंदू को बल्कि है जाने तो हर किस में छोड़ना, सबसे रास्ते में लेके आओ, वो हिंदू का बेटा है उसको मत छोड़ो, सबसे रास्ते में लेके आओ, मुसलमान की बेटी है वो हमारी बेटी नहीं, सच्ची बेटी हमारी है, सारे बेटे हमारे, सारे बेटे हमारे, हम उसकी बात मेहनत करेंगे, प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे, हमारी जिंदगी हर हफ्ता ही जिंदगी बनाओ। आज घर में देखो भाई, अपने अपने हिसाब से अपने खुदा को मानो, खुदा को मान के दे दो, सच्चाई और झूठाई झूठ छोड़ो, सच्चाई लिखाओ घर में, सच कहना सिखाओ, सच्चा रास्ता बताओ, प्यार का रास्ता बताओ, फिर हमारी बेटी से सही नहीं हो तो क्यों होंगे, हमारा बेटा सही रास्ता नहीं आया तो क्यों नहीं जा। आज हमारे घर में मुसलमान है तो कुरान पढ़ो, अगर हिंदू है तो
महाभारत पढ़ो, अंधो है तो रामायण पढ़ो, कैसा पढ़ो, मगर सोचो हमारा पालने वाला आखिर कौन है? रब एक है। कौन है? एक है, वो एक का हमारा आखिरी मेरा परवरदिगार है। वक्त ज्यादा है, हमारे चेयरमैन ने 20 मिनट से ज्यादा कहने को बोला नहीं, और कुछ बोलने को जी चाहता है मगर मैं यहाँ तक बंद करता हूँ, मेरा दिल दर्द देता है। देखो भाई, हम मुसलमान हो तो ये नहीं बोलना, देखो ये बाबा हिंदुओं का बोल रहा है, हम हिंदुओं का नहीं, जो जिस मजहब में पैदा उसका मजहब का प्यारा है। क्या भाई? जो जिस मजहब में पैदा उस मजहब का प्यारा। मेरा मजहब मोहम्मद रसूलल्लाह का है, मैं मोहम्मद रसूलल्लाह का उम्मत ही हूँ, मैं अल्लाह। अब उसको ये नहीं कर सकते हम, तू जुदा हो जा, इसको नहीं कर सकते तू अलग हो जा, हम ये कर सकते तू अल्लाह वाले बन जा। क्या बोल रहा? अल्लाह वाला बन जा, तू भगवान वाला बन जा, तू ईश्वर वाला बन जा, तू प्रभु वाला बन जा, तू माँ बाप का मानने वाला बन जा, माँ बाप मानने वाला बन जा। भाई क्या हाल होगा देखो, आज 16 साल का बच्चा तीन के रोडों में मरता है, आज 16 साल के बच्चे भाग के जाके लाठी पे सोते हैं, आज 16 साल का बच्चा माँ बाप का खातिर बनता है, आज 16 साल का बच्चा देखो 16 साल का बच्चा वली बन गया, बाप की बरसात को बुकराया, अल्लाह वाला बन गया, आखिर में वली बन गया। ये बढ़िया नहीं बनाया विश्वास से? ये देखो मानते हैं ये ईश्वर, ये ईश्वर को मानते तुम लोग, मगर हम मानने के पत्थर है। क्या है? ये पत्थर है, ये पत्थर में ताकत है, हर किस नहीं है, ये पत्थर में जान है नहीं है, हमारे मानने में जान है, हमारे यकीन में जान है, हम जान है, हमारा दब एक, हम एक, हर घर में सच्चाई आना खत्म हो जाना। अब मैं इतनी बात बोल के मैं दूर होना चाहता हूँ, दुआ करिए, हमारा मकसद ये है किसी को किसी से जुदा नहीं करना है, कोई मजहब मजहब से जुदा नहीं करना है, हम एक ही कहते हैं रब की जिंदगी मानो। क्या मानो? रब की जिंदगी मानो, रब को मानो, अल्लाह को मानो, पहले माँ बाप की खिदमत करो, पहले माँ बाप की खिदमत करो, माँ मेरे लिए जन्नत है, माँ मेरे लिए जन्नत है, माँ मर गई कोई पूछने वाला नहीं है, घरों में काम करती थी, और 11 साल का बच्चा बयान तैयार कर लिया, 11 साल का बच्चा पिल्ला पिल्लाड़ तल्ली सच्ची कोई नहीं, पदकोड़ समस्या में कोई नहीं, आइना तला यार ले तो कांदी ले तो यार ले सच्ची ना दरवाजा पिल्लाड़ ये डस तुम तल्ली अम्मा का सुख दिनों तो अम्मा ना साधी ना वाली हो ना पंचे वाली हो भोजन करने वाली हो अम्मा तू एकड़ ना हो तल्ली ना तो मदद नहीं होती ना तू यावर यावर देख रहा होती तो ना ఎక్కడా వదిలిపోతున్నా నిన్ను ఎక్కడ చూడాలమ్మా చిన్న పిల్లాడు రాజు ఓ వయసా బచ్చ అలాగ పిల్లాడు ఇలా ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆ పిల్లాడు ఇలా ఏ దారిలో ఉన్నావు తల్లి అంటే ప్రతి ఒక్కరు తల్లి అంటే ప్రేమకు ప్రేమ మా సబ్కి మహబూబ్ హే మా సబ్కి చక్కి హే బాప్ సే జ్యాదా ప్యార్ మా ఇసే హోతా మా సే హోతా మా కా ప్యార్ ఆజ్ వో మా కా ప్యార్ కిధర్ జాతా హే दुनिया के अंदर। आज हमारे घर में पिक्चर आया, आज हमारे घर में टीवी आया, सेल आ गया, सब आ गया, आज आज हमारा बच्चा बदला नहीं तो क्या बदलता, आज हमारा बच्चा दीन में नहीं तो कभी दीन में बदल क्या होता। याद रखो भाई, तो याद रखो हम सब एक है। क्या है? हम सब एक है, हमारा मालिक एक है, मालिक के लिए हम चलना है, मालिक के लिए। आज हम खाने के भूखे नहीं है, हम आज खाने के पानी के पीने के भूखे नहीं है, ये हमारे घर में ईमानदारी, हिंदू के घर में भी ईमानदारी, मुसलमान के घर में भी ईमानदारी, और सच्चाई आना है, किसी का दिल किसी को मत तोड़ो, दिल को जोड़ो, अल्लाह ताला हमारे साथ है, हमारी मदद करने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारे ये बैठने को कबूल फरमाए, असल में तो ये बर्थडे मेरा नहीं है, मैं चंद बातें बोलने के लिए आया हूँ, ये बर्थडे से हमारी खुशी नहीं है, ये दीवार से हमारी खुशी नहीं है, ये आज खाते चार नाम लगा के जाते, आज बोलते अरे वो बाबा का नहीं जा रहा भाई, अब बाबा का नहीं तो बाबा उसको खा लेता, अरे अरे मौलाना साहब उनके पास क्यों जाते,
वो सिर में जब सिर किस चीज के बाद है, खुदा के अलावा, ये अल्लाह के अलावा उसका और यकीन करना मुश्किल है। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये है, हाँ ये है। हम हमारे बुजुर्गों ने एक जरिया दिया, एक जरिया दे दिया, एक रास्ता बता दिया। परेशानी नहीं रहती, हर बच्चा मुसीबत में नहीं आता, हर बच्ची परेशानी का बोझ नहीं बनती। ये इसलिए ये चंद बातें आपके गुजार करता हूँ, इसको कबूल करो। अल्लाह से दुआ है हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सही रास्ता गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो भी कहा हम कहा, मैंने कहा, मेरा रब ने मेरी जबान से कहला दिया। ना मैं तकरीर का काबिल हूँ, ना किसी को नसीहत का काबिल हूँ, मैं एक फकीर हूँ, एक मैं फकीर हूँ। फकीर मैं क्या कह सकता हूँ, ना बोलना आता, ना चलना आता, ना खाना आता, ना पीना आता, मैं किसी को क्या कर सकता हूँ। वो रब जो कुछ करता है वो रब करता है, रब के दोस्ती से, अल्लाह के, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने सब बातें किया, उसको कबूल करो। हर कोई इसकी मेहनत करने के लिए आगे बढ़ो। आज हमारा एक पेश बना हुआ है, आज हमारा पेश बना हुआ कायम करना चाहिए है। हमारे पास पूरे लोगों की मदद करने के लिए एक राशि करेंगे, देश का बड़ा बना हुआ है, मिश्रण बना हुआ है, अपना पैसा, अपना धन, अपना माल, अपना जान लगा के देश बनाया है। हर दिन खान का खाना तस्वीर करता है, हर दिन किसी के गरीब के घर को जाता है, हर दिन किसी आश्रम को जाता है, कैसे जब को देता है, मगर इसको ऐसे हर जगह हमको अपनी तोहफी देते, हर इंसान को मदद करने की तोहफी देते। आज हमारे पास कोई ड्रेस चलता है उसके लिए आज वैसे ही हम सब आगे बढ़ के दरख्त के लिए तो सब ये बनिए। दुनिया के अंदर कोई वकील नहीं हो सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, कोई मजहब की लड़ाई, कोई मतलब की लड़ाई नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ सब हमारे का हमारा ड्रेस की मदद करिए, सब आने की कोशिश करे। अल्लाह ताला सुनने सुनाने को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे, हमारी परेशानी को दूर करे, हमारी मुश्किलों को आसान करे।